विधायक के गुंडे राकेश टिकैत की हत्या कराना चाह रहे थे। पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कहने पे ये सब काम हो रहे थे। एक एक राकेश टिकैत के आंसू का बदला लेगा इस देश का किसान। महाराज योगी आदित्यनाथ मोदी जी को ये पता नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ से हिंदुस्तान की सरकार बनती बिगड़ती है। दही और चीनी पानी लेके जा रहे हैं, पहले उनको पिलाएंगे फिर बात करेंगे, मिलने के बाद बात होगी। किसान हट कर रहा है तो उसके हक की बात है, सरकार का इसमें क्या नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी तैयार रहे महाराज योगी आदित्यनाथ, बताएंगे लखनऊ में भी। राकेश टिकैत का आंसू नहीं बहा है, मोदी और योगी को खून के आंसू बहवाएगा इस देश का किसान। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अगर ये राकेश टिकैत को फोन पे बात कर रहे हैं या मिलने जा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई है? वो हिंदुस्तान के नहीं है, तैयार रहे, पूरे आजीवन नहीं आए योगी आदित्यनाथ हो मोदी जी। पुलिस के साथ में ये तय हो गया कि इस रास्ते से जाना है। पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने उस पर बैरिकेटिंग क्यों लगा दिया? BSNL बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सब कुछ बिक गया, LIC बिक गया, बड़ा सेक्टर किसान था उसको भी बेच रहे हैं। उनके चाचा ताऊ हैं अडानी अम्बानी, क्यों इतनी हमदर्दी? इस देश के किसान से नहीं हमदर्दी? जिस आदमी ने झंडा लगाया उसका फोटो है, उसका नाम है, उसका पता है, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार करते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा का स्पेशल शो का मूड बा। लेकिन आज जो मूड है वो किसानों का जानना बहुत जरूरी है। इस वक्त मुजफ्फरनगर में महापंचायत चल चुकी है, वहाँ पे कई सारे फैसले लिए जा चुके हैं। बोला गया है कि किसानों को जो धरना है वो लगातार किसानों का जारी रहेगा, और किसानों का कहना है जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान हटने वाले नहीं हैं। लेकिन अब तो किसान बढ़ने वाले हैं वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर। आप देखिए यहाँ पर जो पहला जत्था है किसानों का हुआ है, यहाँ से रवाना हो रहा है। खुद हमारे साथ हरिराम सिंह जी मौजूद हैं। ये बताइए, आप लोग जा रहे हैं, आप लोग किसान नेता हैं, लगातार आप लोगों का काफिला बढ़ रहा है दिल्ली की तरफ, सरकार तो ये कह रही है कि गुमराह हो गए हैं किसान। कहे गुमराह हो गए भाई, जो कानून आप लेके आए हो उस कानून पे इनको चर्चा करनी चाहिए। और इस इतनी ठंड के मौसम में किसान जब सड़क पे बैठा है तो कोई बात करने को नहीं तैयार है। वार्ता भी 9 बार होने के बाद में तोड़ दिया। आप सरकार क्यों हट कर रही? अगर किसान हट कर रहा है तो उसके हक की बात है, सरकार का इसमें क्या नुकसान हो रहा? अरे कोई कागज में कानून लाए उसको हटा दो, फिर बैठक कर लो उसको हटा दो। और कल जो घटना हुई है गाजीपुर बॉर्डर पे, विधायक के गुंडे राकेश टिकैत की हत्या कराना चाह रहे थे। पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कहने पे ये सब काम हो रहे थे। पता चल जाएगा भारत सरकार को भी, उत्तर प्रदेश सरकार को। एक एक राकेश टिकैत के आंसू का बदला लेगा इस देश का किसान। सरकार को भी पता नहीं, इस सरकार को भी मनवाने में राकेश टिकैत का बहुत बड़ी अहम भूमिका थी। अब इनको पता होगा कि इनके सांसद विधायक पूरब से पश्चिम तक कैसे जाएंगे। यहाँ से 83-84 सांसद जाते हैं उत्तर प्रदेश से। महाराज योगी आदित्यनाथ मोदी जी को ये पता नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ से हिंदुस्तान की सरकार बनती बिगड़ती है। आएंगे गांव में इनको बताएंगे, जा रहे हैं दिल्ली, टिकैत साहब से मिलेंगे, दही और चीनी पानी लेके जा रहे हैं, पहले उनको पिलाएंगे फिर बात करेंगे, मिलने के बाद बात होगी। अच्छा ये बताइए, आप लोग यहाँ से ले जा रहे हैं, वहाँ तो सरकार पानी, उत्तर प्रदेश सरकार का पानी जो का जो टैंकर था वापस चला गया, शौचालय की जो व्यवस्था, साफ सफाई की जो व्यवस्था थी वापस चली गई, दिल्ली सरकार अब वहाँ मदद कर रही है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अब व्यवधान वापस सुनने में आ रहा है, कहीं ना कहीं व्यवधान आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो बाउंड्री एरिया है जहाँ उनका बॉर्डर शुरू होता है वहाँ प्रवेश नहीं करने को दिया जा रहा है, इस तरह की तमाम समस्याएँ आ रही हैं। क्या लगता है कि नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस और सब पूरे देश की पुलिस किसानों के साथ है, किसानों के साथ हैं, सब जवान भी लगे हैं, किसान भी लगे हैं, सब होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। इंतजार करो थोड़ा, कल आप फोन करना, आपको बताएंगे, कल पूरी बात बताएंगे। उत्तर प्रदेश में भी तैयार रहे महाराज योगी आदित्यनाथ, बताएंगे लखनऊ में भी, कल बताएंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, आप लोगों की संख्या अलग अलग जगहों से पूरे उत्तर प्रदेश से पहुँच रही है वहाँ पर, सरकार तो कह रही है कि आंदोलन को, उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि वो आंदोलन के जो जगह है उसको हटा ही देना है, फैसला ले लिए हैं मुख्यमंत्री, कहें कि ये उसको हटाना है, आदेश दे दिए हैं, हटा दें, लाठी चला दें, गोली चला दें, कोई रोक रहा है? कल प्रयास तो किए थे, पूरा प्रयास किए थे। कल इंतजार करो थोड़ा, अभी समय लगेगा, 1-2 दिन इंतजार करो। आज मुजफ्फरनगर में भी पंचायत हो रही है, हरियाणा पंजाब के भी लोग हमारे जो हैं
सब कुछ हो रहा, राकेश टिकैत का आंसू नहीं बहा है, मोदी और योगी को खून के आंसू बहवाएगा इस देश का किसान। हम शांति के पुजारी हैं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के शिष्य हैं, राकेश टिकैत जी उनके बेटे हैं, ठीक है। राकेश टिकैत कभी हिंसावादी प्रवृत्ति की बात नहीं करते हैं, हम उनको बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारी भी 56 साल उम्र है, हमारी उम्र है। जब जाते थे सिसौली तो वो टिकैत साहब और सबको हुक्का पानी और पिलाया करते थे। आज वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मैं उनको बड़ा नज़दीक से जानता हूँ। उनके व्यक्तित्व को, उनकी महानता को हर किसान यूनियन का एक एक बच्चा जानता है। उनके आंसू नहीं गिरे हैं, भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के खून के आंसू गिरने का समय आ गया है। अच्छा ये बताइए, कई सारी विपक्षी पार्टियां हैं, वो लोग लगातार आप लोगों को समर्थन दे रही हैं। अखिलेश यादव ने फ़ोन करके बात की है, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने फ़ोन करके बात की है, कई और नेताओं ने फ़ोन करके बात की है राकेश टिकैत जी से। क्या लगता है कि जो विपक्षी दल आप लगातार आप लोगों के साथ आके खड़े हो रहे हैं और जहां उनकी सरकार है वहां पे आपको समर्थन भी दे रहे हैं, सहयोग भी दे रहे हैं, क्या लगता है कि इससे आपके ऊपर लगातार जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह जो आंदोलन चल रहा है वो विपक्ष के द्वारा चलाया जा रहा है, इस पर क्या जवाब देंगे आप? अच्छा एक बात बताओ, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अगर ये राकेश टिकैत को फ़ोन पे बात कर रहे हैं या मिलने जा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई है? वो हिंदुस्तान के नहीं हैं, वो पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। नहीं बता दें, भारत सरकार ये बता दे कि उस देश में नहीं रहते हैं। यही योगी आदित्यनाथ जो है, मुलायम सिंह यादव ने जब चूड़ी इनकी कसी थी तो भों भों रोए थे वहाँ, ठीक है। वक्त न भूलें, सुबह आज जो है, सुबह कल रात में बहुत कोहरा था, सुबह सूरज निकला हल्का हल्का, फिर दोपहर में थोड़ी तेज़ धूप हुई, सूरज अब डाउन हो रहा है, कल शाम भी होगी। तैयार रहें, पूरे आजीवन नहीं आए योगी आदित्यनाथ हो मोदी जी, तैयार रहें। कई इंदिरा गांधी बहुत लंबे समय तक यहाँ राज किए हैं, ठीक है, ये तो आना जाना सबका लगे रहेगा, लेकिन जिस तरीके का ये व्यवहार कर रहे हैं उसी तरीके का इनके साथ व्यवहार होगा। अरे जो 26 जनवरी को हुआ पूरा कांड, आप लोग इसको काफ़ी करीब से देख रहे हैं, आप लोग भी दिल्ली में थे उस वक्त, क्या लग रहा है कि क्या हुआ, कैसे हो गया ये चीज़ और किसका हाथ है इसमें? आप बताओ, जब पुलिस के साथ में ये तय हो गया कि इस रास्ते से जाना है, दिल्ली पुलिस ने उस पर बैरिकेडिंग क्यों लगा दिया? बताओ, पुलिस से ये भी तय था कि हम होल्डिंग लगाएंगे, पुलिस से ये तय था कि आगे पुलिस की गाड़ी चलेगी। आप बताओ, दिल्ली पुलिस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, देश के स्वाभिमान का दिन होता, सम्मान का दिन होता है, इतनी सुरक्षा के बीच में, हम कहते वहाँ किसान गए, कोई गया, लाल किले पे कैसे लोग पहुँचे? इसका मतलब देश की सुरक्षा, लाल किले की सुरक्षा किसके पास है? आपको पता होगा, पता कर लेना, वो भी खबर हमारे साथ जोड़ देना। बताओ, केंद्र सरकार के पास है? नहीं, पता कर लेना, इसकी सुरक्षा का ठेका किसके पास है, आप पता कर लेना। मतलब 26 जनवरी तो केंद्र सरकार के पास था सुरक्षा पूरा, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री और तमाम, कैसे लोग पहुँच गए? आप हमसे यहाँ पर बात कर रहे हो, मेरी इच्छा ना होती तो आप हमसे बात कर पाते? यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर दिल्ली पुलिस की इच्छा नहीं होती तो कैसे लोग वहाँ पहुँच जाते? ये भारतीय जनता पार्टी का जब से आंदोलन चल रहा, पूरा इनका खड़ियन चल रहा था, ये चाह रहे थे कि ये हो, जो चाह रहे थे वही अपने लोगों को भेज के करवा दिया। तो लेकिन सरकार तो यही कह रही है कि इसमें विदेशी ताकतें भी जुड़ी हुई हैं। अरे तो भाई, उनकी लिस्ट ले आए सरकार के पास, सारी एजेंसी तो उनके पास है। चीन कब्जा कर रहा, पाकिस्तान का झूठा लड़ाई का वो तमाशा दिखा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, BSNL बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सब कुछ बिक गया, LIC बिक गया, बड़ा सेक्टर किसान था उसको भी बेच रहे हैं। इनके चाचा ताऊ हैं अडानी अम्बानी, क्यों इतनी हमदर्दी? इस देश के किसान से नहीं हमदर्दी? तब मोदी जी को आप बताना, पूछना, मैं तो नहीं जानता कहाँ, लेकिन उनसे ये बात पूछना कि आप उत्तर प्रदेश में जब चुनाव में गए थे तो आपने कहा था जो गन्ना किसान गन्ना देगा उसको 14 दिन में भुगतान करेंगे। आप गन्ने की पर्ची पे रेट नहीं घोषित किया, 0-0 लिख के आ रहा, पता है आपको? ये भी आप पूछना, सवाल करना सरकार से, क्यों 0-0 आ रहा, क्या है? मतलब कोई चीज़ खरीद रहे हो, 200 करोड़ का हमारा गन्ना खरीद लिया और अभी उस पे पर्ची पे 0-0 है, ये कौन सा तमाशा है? ये सरकार चल रही है, ये तो पूरा गुंडा तंत्र बना रखा है, दादागिरी जिसको कहती, कि जो
भारतीय जनता पार्टी का जो अचला मोड़ ले वो बहुत अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल कर ले वो पाकिस्तानी आतंकवादी। अच्छा जी मुझे बताइए, उसके बाद फिर मैं बाकी भी लोगों से थोड़ा जानना चाहूँगा, जिस तरीके से जैन चौधरी जी आए हैं, अजीत सिंह जी आए हैं, अखिलेश यादव आए हैं, तेजस्वी यादव बिहार से समर्थन दे रहे हैं, राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार, पंजाब की सरकार लगातार समर्थन आप लोगों को दे रही है, इसके बाद आंदोलन और भी मजबूत हो जाएगा? अब इसका तो हम नहीं कह सकते मजबूत होगा, टूट जाएगा। हम दिल्ली जा रहे हैं, हम वहाँ तक ना पहुँच पाए तो इस भविष्य की कौन सी बात बता दें। इंतजार, रात का जो माहौल था अभी दिन का माहौल में तो धरती आसमान का अंतर है। अब ऐसा है, बता दे अभी आपको बताए, थोड़ा मतलब समझो, आप थोड़ा समझो, सुबह सूरज हल्का था, फिर दोपहर में तेज धूप हुई, अब थोड़ा फिर ढलने लगा, अभी रात हो जाएगी, तो कल रात का और माहौल था, आज रात का और माहौल होगा, आने वाली कल रात का, इंतजार करो थोड़ा इंतजार। हाँ, आप मुझे बताइए कि लगातार धरना प्रदर्शन जो कल हुआ, कल पूरा मामला जो हुआ, उसको आप लोग किस तरीके से देखते हो? कल जो हुआ, जब उसमें देख लिए कि किसने झंडा लगाया, क्या क्या उसको क्यों नहीं गिरफ्तार करते, शिकायत जी ने क्या वहाँ झंडा लगाया था जो उनको गिरफ्तार करने अट गए, बताएं आप बताइए। जिस आदमी ने झंडा लगाया उसका फोटो है, उसका नाम है, उसका पता है, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार करते हैं? उसको तो यूनियन नहीं रोक रही, उनको पुलिस नहीं रोक रही है। ये बताइए कल जो हुआ वहाँ पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, गाजीपुर पर, तो क्या लगता है कि वहाँ पर जिस तरीके से टिकैत जी को आंसू आ गए, बात करते करते वो भावुक हो गए, इसके बाद वो क्या कारण रहा होगा कि इतने वो ज़्यादा भावुक हो गए, क्योंकि कहा जा रहा था उनके ऊपर प्रशासन का भी दबाव, इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हो? प्रशासन का जहाँ जितना दबाव हो, ये टिकैत साहब का जो है, महात्मा टिकैत का जो है, इनके साथ आशीर्वाद है, इनके पिताजी का जो है, और जो बीजेपी की विधायकों ने जो है जो घटना की थी, उस घटना से हमारे टिकैत जी के जो है हृदय को जो है उसको छू लिया था जो है, उसकी वजह से टिकैत जी के आंखों में आंसू आ गए थे जो है। तो देखिए यहाँ पे काफिला निकल चुका है किसानों का, और किसान इस वक्त एक्सप्रेस वे पर अपनी गाड़ी को दौड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। इधर आइए देखिए, यह यहाँ से आगरा एक्सप्रेस वे है ये, और ये आगरा एक्सप्रेस वे से होते हुए दिल्ली के लिए रवाना होंगे, गाजीपुर जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ के लिए रवाना होंगे, और लगातार जो काफिला है ये पहला जत्था है किसानों का जो रवाना हुआ है, इसके अलावा और भी जत्थे लगातार रवाना हो रहे हैं, और ये एक्सक्लूसिव आप न्यूज़ नशा पे देख रहे हैं कि जिस तरीके से किसानों का जत्था पहला है वह निकल चुका है। फिलहाल आपको बता दें कि किसानों का साफ तौर पे कहना है, और कहा गया किसानों के द्वारा कि जिस तरीके से लगातार जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है, और उस धरना प्रदर्शन को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। जिस तरीके से बीजेपी के लोगों की बात कही जा रही है किसानों के द्वारा, कि बीजेपी के लोग उसमें घुस के उस धरना को कमज़ोर करने की कोशिश की है, उसका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। इस तरीके के तमाम आरोप किसानों के द्वारा लगाए गए हैं, और किसानों का जो पहला जत्था है लखनऊ से दिल्ली के लिए, जिस तरीके से आह्वान किया गया था राकेश टिकैत के द्वारा, उस आह्वान पर यह किसानों का पहला जत्था रवाना हो गया है, और किसानों का ये कहना है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत के आंसू गिरे हैं, उसी तरीके से सरकार के खून के आंसू निकालने हैं, गिराने हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला उत्तर प्रदेश का, और 22 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किसानों के बीच आना ही पड़ेगा। इस तरीके का दावा किसानों के द्वारा किया गया है, और एक बार देखिए जो काफिला है वो दौड़ पड़ा है इस एक्सप्रेस वे पर, और लगातार काफिलों की जो संख्या है वो पीछे से बढ़ती ही जा रही है। तो इस तरीके से राजधानी लखनऊ से और तमाम पूर्वांचल के क्षेत्र से, अवध क्षेत्र से किसानों का जत्था गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो चुका है। आप देख रहे थे न्यूज़ नशा का स्पेशल शो का मूड बा, तो किसानों के यह मूड बा कि जो धरना प्रदर्शन है उसे और मजबूत किया जाएगा, साथ में जो तीनों कृषि कानून है अब उसको वापस करा के ही किसान घर लौटेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।